भाई लोग समझ तो गए होंगे किसके बारे में बात होने वाली है। आज होने वाली माइनक्राफ्ट वर्सेस फ्री फायर वर्सेस GTA 5। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि तीनों ही गेम टॉप लेवल के हैं, तो चलो देखते हैं आज कंपैरिजन में किसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो गाइज माइनक्राफ्ट वाले लाइक करेंगे और फ्री फायर वाले सब्सक्राइब करेंगे और GTA 5 वाले कमेंट करेंगे। तो जो ज्यादा रहेगा गाइस तो आज वो विनर होगा। और गाइस वो होगा इंडिया का नहीं वर्ल्ड का टॉप गेम। तो आज अपनी पावर दिखाई दो, कौन सबसे ज्यादा फेमस गेम है। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद जब मेरे को हानकिंग कहीं नहीं मिला तो मैंने सोचा कि जब मैंने स्टैडी को मारा था तभी हानकिंग ने मेरे को आकर मारा था। तो हो सकता है कि हानकिंग स्टैडी का टीममेट हो, स्टैडी ने हानकिंग को मेरे को मारने का बोला हो एंड मैं फिर हानकिंग को ढूंढने के लिए स्टैडी के बेस में चला गया। सो गाइस वीडियो में जाने से पहले अगर तो तुम सोच रहे हो कि ये मैं कौन सा टेक्सचर पैक यूज कर रहा हूँ, ये मेरा प्राइवेट टेक्सचर पैक है जिसको मैं 20 के सब्सक्राइबर्स पे रिलीज करने वाला हूँ एंड मैं इस टेक्सचर पैक को अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे रिलीज करने वाला हूँ। तो जितने लोग ने भी मेरा अभी तक डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं करा तो क्या करो यार, फटाफट से जाके मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। एनीवेज बैक टू द वीडियो। फिट हानकिंग इसको लग रहा होगा कि मैं भी हैक कर रहा हूँ लेकिन इसको ये नहीं पता कि मैं क्रिएटिव में हूँ। नाइस नाइस नाइस, गया उसका टोटम, गया एक और टोटम, गया खत्म है खत्म है खत्म है बस। अरे कितने टोटम है इसके पास, व्हाट द हेक। लेट्स गो वेट ये स्पॉन पे होगा। ऑलराइट अब मैं देखता हूँ हानकिंग, लेट्स गो हानकिंग अंदर है, हानकिंग ट्रैप हुआ है। अबे डायमेंशन ये क्या कर रहा है भाई, मेरे को निकाल कब से। सालो हैक यूज करोगे तुम लोग। अबे मैं तो हैक यूज कर रहा था भाई, तुम क्या यूज कर रहे हो, तुम्हें मार नहीं पा रहा, क्या पी क्या है तुम, तुम्हें मार क्यों नहीं पा रहा हूँ, तुमने क्या पी रखा है। अरे तुम ये पूछ रहे हो कि तुम मेरे को मार क्यों नहीं पा रहे हो, तुम ये नहीं पूछ रहे कि यहाँ पे इतना सारा बेडरॉक कहाँ से आया। पावरफुल हो कितना भाई, मैं दौड़ सकता हूँ भाई। देखो मेरे पास स्पीड है, तुम मेरे को कभी नहीं मार पाओगे, ठीक है, तुम जितना भी। यार मैं इधर क्यों स्पॉन हो रहा हूँ। हाँ ना तुम एक हार्ट पे बैन, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमको सीधा बैन कर दूंगा। तो चुपचाप इस बेडरॉक की दीवार के सामने जाकर खड़े हो जाओ। सुहानकिंग को मैंने इस बेडरॉक के केस में ट्रैप कर दिया था लेकिन अब मैं जो उसके साथ करने वाला हूँ वो हानकिंग को बहुत भारी पड़ने वाला है। And you know what? मैं तुमको मारूंगा भी नहीं भाई, मार दो यार उससे, अच्छा बैन कर दो, मैं क्या करूँ इधर खड़े खड़े। मैं तुमको ऐसा बैन करूंगा तुम कभी भी रिवाइव नहीं हो पाओगे। सो यस शल्कर बैन, अगर तो तुम एक शल्कर लेते हैं उसमें काफी सारी बुक एंड क्विल डालते हो जिसमें कि काफी सारे इलीगल लेटर्स लिखे होते हैं, तो जो प्लेयर भी उस शल्कर को कलेक्ट करेगा वो प्लेयर उस सर्वर से परमानेंटली बैन हो जाएगा, क्योंकि सर्वर उस प्लेयर के लिए इतने सारे पैकेज कंट्रोल नहीं कर पाएगा एंड वो प्लेयर फिर कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। अरे भाई छोड़ दो यार, मैं डर पाऊंगा इधर बैठे बैठे। What? ये क्या किया भाई, मैं बैन हो गया माइनक्राफ्ट। ज्वाइन करने का ट्राई करो, माइनक्राफ्ट नशे में है क्या, ज्वाइन करने का तो ट्राई करो एक बार। अरे यार इंटरनेट का इशू हो रहा है मेरा, अरे कनेक्शन थ्रॉटल भाई, इंटरनेट का इशू हो रहा है मेरा भाई। मूवमेंट करके फटाक से हेडशॉट मारूंगा सोच रहा था यार, हेडशॉट नहीं लगाया, प्रैंक हो गया। अभी हम लोग इधर से छू मंत्र छू हो जाते हैं, दो ही बंदे तो नहीं होने चाहिए और भी बंदे होने चाहिए, नीचे की तरफ होके हील हो रहा है मतलब रिवाइव कर रहा है, उधर ही जाते हैं अपन, कुछ भी पता नहीं चल रहा कि कैरेक्टर लेना ही नहीं चाहिए था मेरे, क्या हो रहा है कि कैरेक्टर के साथ कुछ पता ही नहीं चल रहा, घर की चाबी नहीं है तो जाते हैं पोचिनॉक पे ही जाते हैं, इधर बंदा हो सकता है मार्स इलेक्ट्रिक पे कुछ ने बचाया है, काफी बंदे हो सकते हैं आसपास। वाकई दिख गया एक, ए तुम वाल इसका भी लगा नहीं, पता है वाल ही नहीं लगा, वाल लगाने का तो ट्राई किया इसने, ऐसे ऐसा ऐसे ऐसे पैन ही मार पाया, वाल लगा नहीं इसका भी, वाल में थोड़ा गिलीच है कभी कभार वाल नहीं लगता है। अच्छा मैंने भी अपने साथ फेस किया है, आप लोग ने किया है कि नहीं बताना मेरे को कम से कम, भाई लोग क्यों ना फैक्ट्री में चले जाते हैं, फैक्ट्री में ब्लू जोन भी है और मार्स इलेक्ट्रिक से जो बचे हुए बंदे होंगे ना वो भी फैक्ट्री गए होंगे, आपका नॉलेज हाँ, फैक्ट्री पे बंदे इधर से कोई भी मार रहा है लेफ्ट से। तो पता ही होगा कि यहाँ पर माइकल के साथ क्या हो चुका है, उसी सुपर पावर ने माइकल के ब्रेन के अंदर एक ऐसी चिप को फिट करा और अपने ही दोस्तों के खिलाफ माइकल को भड़का दिया है।
भाई माइकल ने किडनैप कर लिया था वो भी फ्रैंकलिन को, वो तो एम टाइम पर लेसर को ये सारी की सारी चीजों की भनक हो गई और ट्रेवर ने और लेसर ने मिलकर के अभी माइकल को पकड़ रखा है। और गाइज इसको जो ना एक तरीके से इंजेक्शन लगा रखे हैं वो बेहोशी के, मेरे को नहीं पता गाइज ये कब के मारे कब उठ जाएगा यहाँ से। लेकिन लेसर बोल रहे हैं कि फ्रैंकलिन मेरी बात सुन, ये काम तेरे को ही करना है और गाइज काम ये है कि हमको गाइज वही साइंटिस्ट को किडनैप करना पड़ेगा जिस साइंटिस्ट ने भाई ये काम किया है। मतलब भाई माइकल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया यार, वो भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें माइकल की जान भी जा सकती है। मैं से बता रहा हूँ, एक बार अगर फ्रैंकलिन के हाथ तो वो चढ़ गए ना